हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए हैं एम्पायर वेब सीरीज के ट्रेलर का रिएक्शन। एंड ये जो वेब सीरीज है ना, ये एक लार्जर देन लाइफ और एक बहुत बड़ी मैग्नम ओपस वेब सीरीज है, जिसका लोगों ने हमें बताया कि यार इसका कुछ आप ट्रेलर रिएक्शन जरूर करने का। एंड मेनली ये चीज़ ऐसी है कि लाइक हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं, फिर हमने जैसे मूवी में बाहुबली देखी हुई है, तो वैसा कुछ यहाँ पे एक वेब सीरीज क्रिएट की जा रही है इंडिया में, तो वो बहुत बड़ी बात है एंड उसको पूरा सपोर्ट भी मिलना चाहिए। लाइक ये एक फिक्शनल ड्रामा के ऊपर पूरा बेस्ड है। ये जो एम्पायर है, इसको द ग्रैंडेस्ट एंड बिगेस्ट शो बताया जा रहा है इंडिया का, तो अभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इसको देखने की। एंड साथ में मेनली है कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया गया, इसके बारे में जितना ही पढ़ रहे हैं उतना ज्यादा पता चल रहा है कितना ग्रैंड है और कितनी ग्रैंड वेब सीरीज होने वाली है। तो देखते हैं फिर ये ट्रेलर कैसा होता है। यस, ये जो वेब सीरीज है वो एक बुक एलेक्स रदरफोर्ड की, जो जिसका नाम है एम्पायर ऑफ द मुगल रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ, से इंस्पायर हुई है ये वेब सीरीज। एंड इसमें जो है ना काफी अच्छी कास्ट है मैंने पढ़ा। एंड प्लस जो वॉरियर होता है इसमें लिखा था कि एक्सीडेंटल वॉरियर बनता है, तो उसकी भी स्टोरी अलग ही होगी एंड वो अलग जानने को मिलेगा। एंड प्लस वॉर बेस्ड है और बहुत ही बड़ी स्केल पे बनी गई है, काफी उसमें मेहनत लगती है हर चीज में, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, देन जो एक्टर्स होते हैं उनकी, हर चीज में बहुत मेहनत लगती है। जैसे कि आपने बोला हमने बाहुबली मूवी देखी है, तो उसमें कितना लाइक अलग अलग सीन्स बताए जाते हैं, प्लस उतनी अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो अब देखते हैं कि ट्रेलर कैसा रहने वाला है। एंड साथ में इसके जो मेन हीरो है वो कुणाल कपूर है, तो देखने लायक होगा क्योंकि वो बहुत अच्छे मेथड एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग देखने में आपको बहुत मजा आती है। एंड साथ में आजकल जो है ऐसे एक्टर्स को बहुत अच्छा पुश मिल रहा है, उनकी जो एक्टिंग है हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं ऐसी वेब सीरीज के अंदर, तो देखते हैं कैसा होता है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। जिंदगी मौत से कितना ही लड़ ले, जीत तो आखिर मौत की ही होती है। सही बात है। हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 साल की उम्र से मौत को धोखा देते आ रहे थे, लेकिन अब यहां से आगे कहां। बहुत ग्रैंड लग रहा है। वक्त की ताकत उस पर बैठने वाले में नहीं होती, उस पर बैठाने वाले में होती है। इत्तेफाक से किसी और के हिस्से काबरा हमारी किस्मत पर बरस गया हो तो लाइक वो बचपन से राजा बन गए, उसके बाद से फिर आपने समरकंद को नहीं, समरकंद ने आपको चुना है। इस रियासत के जर्रे जर्रे की हिफाजत करना आपका फर्ज है। समरकंद को जिसका खतरा है वो है शेबानी खान। माय गॉड, यू नो मौर्या के लुक तो दे, अलग ही राजा लग रहे हैं। शेबानी खान की दुश्मनी उस हद से शुरू होती है जहां बाकी सबकी खत्म हो जाती है। हमारी शर्त है खानसादा। हमें उसकी शर्त मंजूर है। नहीं आपा, बाबर हमारे खानदान से बढ़कर हमारी जान नहीं है, हमारे लोगों से बढ़कर हमारी जान नहीं है। शेबानी खान से अब ये जंग खत्म करनी है। समर्थन शेबानी खान के हवाले कर देंगे तो आप कहाँ जाएंगे? सिंधु के उस पार लोधी की सल्तनत को हराने। तो ये जो पूरा है, मतलब किस तरीके से, लाइक एक वॉर फिल्म नहीं है, इसके अंदर पॉलिटिक्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है। हाँ, माय गॉड, नहीं क्या विजुअल्स है रे, कमाल किया है वॉर पूरा, इसको देखने मजा आ रहा है सही में। हॉटस्टार स्पेशल्स प्रेजेंट्स देखने लायक होगी बिल्कुल। 27 अगस्त से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फुल ऑन ग्रैंड ड्रामा है और ये बहुत कमाल का है जिस तरीके से पूरी लुक बनाई गई है। एंड जैसे मैं अभी इसका देख रहा हूँ जिस तरीके से की हाइप है, मेरे ख्याल से और हाइप होनी चाहिए एंड लाइक पूरे देश को देखना चाहिए, बिकॉज ये हमारा काइंड ऑफ गेम ऑफ थ्रोन हो सकता है किस तरीके से हमने बनाया हुआ। मेरे को एक भी जगह पे ऐसा नहीं लगा कि ये थोड़ा ग्राफिक में थोड़ा इन्होंने कम क्वालिटी डाल दी है या यहाँ पे थोड़ा मजा कम आएगा, ऐसा कहीं भी नहीं था। हर जगह आप देखो इतना जबरदस्त, हम दोनों ने अभी इसके बाद 2-3 बार ट्रेलर देखा एंड हर बार उतना ही मजा आ रहा है जिस तरीके से उन्होंने पूरे सारे इफेक्ट बनाए हुए हैं। वो वॉर सीन्स खासकर कितने कमाल के लग रहे हैं। लाइक एक दो वॉर सीन में मैंने देखा था जहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक
साइड आपको काफी कम जन दिख रहे हैं, एक साइड बहुत ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको पूरा एग्जीक्यूट कैसे किया गया होगा और इतने सारे लोगों के साथ किस तरीके से पूरा वो शो करना लाइक एक्चुअली सही में, और ऊपर से वो जो पूरा वो बनाया गया था लाइक उसको कलर स्कीम भी दी गई थी ना, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ा सा डार्कर लुक दिया गया है एंड उसके अंदर ना आपको पूरा एक वो फील आ रही राजा वाली, एंड जो बीच में जो पॉलिटिक्स दिखाई जा रही थी, तो ये मेरे को लग रहा है ऐसा है जितने भी इसके एपिसोड होंगे 7-8-10 जितने होंगे ना वो एक के बाद एक आप पूरा हुक्डअप होकर एक साथ एक देखोगे, बहुत कमाल का लगा मेरे को। यस प्लस मेन मैंने जो सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी वो सबके लुक्स थे, किसी के भी ले लो, इवन शबाना आजमी कितनी प्रिटी लग रही थी, देन जो विलन थे है ना उनका भी लुक अच्छा दिया गया था, लाइक ऑफकोर्स इनका तो अच्छा ही था, एंड जो खान ज्यादा थी वो भी काफी प्रिटी थी, प्लस लास्ट में ना ट्रेलर के एंड में दो तीन और किसी एक्ट्रेस को दिखाया गया था वो भी काफी प्रिटी लग रही थी और सबके लुक्स बहुत ही इनोसेंट और एकदम वो रानी टाइप बनाए गए थे, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे कि आप बात करो कलर स्कीम की, पूरा डार्क थीम रखी गई थी, जो महल के अंदर भी एंड बाहर जब वॉर दिखा रहे थे तब भी वो चीज थी दिख रही थी, एंड जो एक होता है ना कि कुछ एक ट्विस्ट तो होता है, मतलब जैसे विलन तो होता है और यहाँ पे जो विलन बताया गया है वो उसका अलग ही वो है, मतलब लाइक वो खानजादा के लिए लड़ रहा है, वो उसका वॉर ही खानजादा के लिए, एंड वो उन्हें मांगता है और वो रेडी भी हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा, डायलॉग था ना कि मेरे लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है एंड ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मतलब वो चीज को मेंटेन रखने के लिए वो उनकी शर्त तक मान जाती है और उसके आगे क्या होगा कैसे होगा, लाइक वो अपने यहाँ चीक पे तलवार भी मारती है वो भी एक सीन था, तो उसके बाद वो क्या होता है और किस तरीके से ये जो सीरीज है वो आगे बढ़ती है वो देखने लायक होगा। और जो मेन बात आपने कही कि इसकी हाइप और ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज ऑफकोर्स हमें ऐसी मूवी को सपोर्ट करना चाहिए और देखना चाहिए, जो बुक है एलेक्स रदरफोर्ड की उसके बारे में, बट ट्रेलर देखने में काफी मजा आया। वही जैसे तो लुक्स की बात करते हैं, लुक्स के साथ अगर देखो तो कॉस्ट्यूम्स कितने जबरदस्त है, जिस तरीके से उन्होंने वो पहन रखे थे एंड सब चीज सबको हर एक बंदा वो सूट करते हैं, हर एक का सिर्फ रानी राजा का तो चलो हर कोई बनाता ही है, बट साथ में जो वो सिपाही थे उनका भी किस तरीके सबका एकदम बेस्ट लुक था, एंड कुणाल कपूर बहुत डैशिंग लग रहे थे, एंड साथ में डीनो मोरिया की एंट्री बहुत कमाल की थी, लाइक वो एकदम ऐसे शार्प लग रहे हैं ना, एंड वो ऐसा जितना हमें लग रहा था ना जैसे खानजादा के साथ ही, मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ उनका अलग भी दिमाग चल ही रहा होगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ेगा कुणाल कपूर के ऊपर। हमने जो और जो लास्ट शॉट देखा किस तरीके से अकेले वो हाथी के साथ ऐसे कुछ लड़ने आ रहे थे, तो वो कुछ मैसिव क्लाइमेक्स होगा और बहुत कमाल होगा, तो आप लोग कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएगा, एंड साथ में 27 अगस्त को ये आने वाली हॉटस्टार के ऊपर, तो इसको देखना जरूर मत भूलिएगा, तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए।